ये जो खाद है ना वो इतना अच्छा खाद है ना, इसके डालने के बाद आपका जो प्लांट है ना वो सर्दियों में कभी ख़राब नहीं होगा और बहुत अधिक फ्लावरिंग करेगा। और ये जो खाद है ना वो आपके प्लांट को ठंड से बचा कर रखेगा। ये जो खाद है ना सर्दियों का बहुत ही अच्छा खाद है फ्रेंड्स, इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखिए, इसके फ़ायदे आपके प्लांट्स को ज़रूर होगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके यूज़ करने के बाद आपका जो प्लांट है ना वो इतना हैवी ग्रोथ करेगा, बर्ड्स आएगा, फ्लावर आएगा और ठंड में भी आपका जो पौधा है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये इतने इसके फ़ायदे हैं ना, ठंड में बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है ना फ्रेंड्स, तो इतने अधिक कोहरे पड़ते हैं, शीत गिरते हैं, जिसके कारण हमारा जो प्लांट है ना वो ख़राब होने लगता है। लेकिन इस खाद को डाल लेने से आपका जो प्लांट है ना सर्दियों में बिल्कुल ख़राब नहीं रखे होगा, ये आपके प्लांट को ठंड से बिल्कुल बचा कर रखेगा। जब नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत अधिक ठंड होती है फ्रेंड्स, कोहरे भी होते हैं और शीत भी गिरते हैं, जिससे हमारा प्लांट जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगता है ठंड की वजह से, तो ये जो खाद है ना हमारे प्लांट्स की मिट्टी में गर्माहट बना कर रखेगी। अगर इसका यूज़ अपने प्लांट्स की मिट्टी पर करेंगे ना, तो आपके प्लांट्स की मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है ना उसको भी बढ़ाएगी और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ आप ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर। यह है सरसों की खली। जो सरसों की खली है ना वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और इसका हम पाउडर के रूप में भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको बारीक मिक्सी में पीस लेना है और अपने प्लांट्स को दे देना है। तो देखिए, इसका आप ना फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरह से हमारे प्लांट्स पर बहुत अधिक फ़ायदा करते हैं और ठंड के दिनों में तो बहुत अधिक इसके फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। इसका यूज़ आप ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर। तो मैंने इसको पहले से बना कर रखा हुआ है और ये पूरी तरह से फार्मेट हो चुका है। जब अच्छे से फार्मेट हो जाएगा ना, तब इसे नॉर्मल पानी में मिलाकर अपने प्लांट्स को देना है। डायरेक्ट कभी भी इस चीज़ को ना अपने प्लांट्स की मिट्टी पर नहीं डालना है। अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे ना तो आपके प्लांट्स को ये नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि ये जो लिक्विड होता है ना फ्रेंड्स बहुत अधिक गाढ़ा होता है। तो इसे हमें नॉर्मल पानी मिलाकर बिल्कुल पतला कर लेना है और इसकी मात्रा को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसकी मात्रा बिल्कुल आपके प्लांट्स पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई ना, तो ये आपके प्लांट्स को ख़राब कर सकता है। तो सरसों की खली के हम फायदे जान लेते हैं। सरसों की खली जो होता है, इसमें इतने सारे पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो हमारे प्लांट्स के लिए इतना फायदेमंद है ना फ्रेंड्स। इसका यूज़ आप ज़रूर करें अब गार्डनिंग में और अभी ठंड के दिनों में तो इसका यूज़ आप ज़रूर करें। ये हमारे प्लांट्स की मिट्टी में गर्माहट को बना कर रखती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज़ ना आप गर्मी में आपको नहीं करना है, ठंड में ही करना है, क्योंकि जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ होता है। अगर आप गर्मियों में इसका यूज़ अपने प्लांट्स पर करेंगे ना, तो ये आपके प्लांट्स को ख़राब कर सकता है। तो इसका अधिकतर यूज़ ना ठंडियों में होता है और जब बहुत अधिक ठंडी बढ़ जाती है ना, तो इसका यूज़ हमें 15-15 दिन में अपने प्लांट्स पर ज़रूर करना चाहिए। तो ये जो है ना हमारी प्लांट्स की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है, क्योंकि ठंड की वजह से हमारी प्लांट्स की जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है। और इस चीज़ को डाल देने से आपके प्लांट्स की मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी और उर्वरक क्षमता को बिल्कुल बढ़ा देगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज़ हम कैसे कर, तो इसका यूज़ ना आप अपने प्लांट्स पर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम 100 ग्राम सरसों की खली लेते हैं ना, तो इसको आपको 1 लीटर पानी में मिलाना होगा, उसके बाद ही आप इसको प्लांट को दे सकते हैं। तो इसकी मात्रा को आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, इसकी मात्रा बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो आपके प्लांट्स को नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये जो लिक्विड होता है ना बहुत अधिक गाढ़ा होता है, तो हम पानी को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छे से मिल सके। तो देखिए, इस तरह से ना नॉर्मल पानी मिलाकर बिल्कुल इसको पतला कर लेना है। तो ये जो लिक्विड बनकर तैयार हुआ है वो इतना अधिक फायदेमंद है ना हमारे प्लांट्स के लिए। तो इस तरह से अब इसका यूज़ ना आप अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। इस लिक्विड का यूज़ ना आप अपने प्लांट्स पर 15-15 दिन में कर सकते हैं। ये जो खाद है ना अभी सर्दियों का बहुत ही बेस्ट खाद है फ्रेंड्स, इसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें। इसके बहुत फ़ायदे होंगे आपके प्लांट्स को और आपका जो प्लांट है ना वो सर्दियों में बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इतना हैवी फ्लावरिंग करेगा, बर्ड्स आएगा और आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ करेगा। तो इस लिक्विड का यूज़ ना आप अपने जितने भी प्लांट हैं ना फ्रेंड्स उस पर कर सकते हैं, चाहे वो आपके आउटडोर प्लांट हो, इनडोर प्लांट हो, सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। चाहे वो आपके सब्जियों वाले प्लांट हो, फूलों वाले प्लांट हो, सभी पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सरसों की जो खली होती है ना वो मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और ये बहुत ही कम दामों में मिलता है फ्रेंड्स। इसे लाकर आप अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ ज़रूर करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे प्लांट्स पर।
तो मैं हमेशा ठंडियों में जो नीम की खली, सरसों की खली है ना फ्रेंड्स, उसका यूज़ अपने प्लांट्स पर करते रहती हूँ। इसके कारण मेरी जो प्लांट है ना, सर्दियों में बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और बहुत अधिक हैवी फ्लावरिंग करते हैं। आप भी इस चीज़ का यूज़ करके ज़रूर देखें, इसका रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।